हरियाणा में छठे चरण के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है और लोकसभा प्रत्याशी धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज पृथला विधानसभा के गांव में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी किशन पा गुर्जर ने कई जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उनका जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की। वहीं उन्होंने पिछले 10 सालों में सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। मोहन गाँव में ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को लेकर बैठे किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि ये ग्रीन हाईवे कट प्रधानमंत्री मोदी की देन है और मैं विश्वास से कहता हूं कि यहां कट बनकर ही रहेगा और इस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ही बनवाएंगे। देश के रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी कह दिया, फाइल यहां से नक्शा बन के चला गया, आचार संहिता लगनी है, क्योंकि ये हाईवे भी जो जेवर हाईवे है, एक्सप्रेसवे, ये भी हमने दिया है। दिल्ली मथुरा रोड को भी सुंदर हमने बनाया है, दिल्ली बड़ोदरा बॉम्बे वो भी फैजाबाद से हमने निकाला है, FNG भी हम बना रहे हैं। तो जब ये हाईवे हमने निकाला है अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए, तो कट कौन बनाएगा? तो इसी लड़ाई कट की नहीं है, लड़ाई कुछ और है। ये जो हमारे विरोधी हैं, ये कट नहीं चाहते, ये प्लानिंग के तहत कांग्रेस के बैठाए हुए लोग हैं, ये कांग्रेस चाहते हैं। 12 तारीख को माफ, और ये कांग्रेस ये अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे, क्योंकि जैसी सूचनाएं मिल रही हैं, इन्होंने पहले दिन से प्लानिंग की थी। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कट के बहाने से हम इसको लंबा ले जाएंगे और लास्ट में कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो ये कट के लिए नहीं बैठे, ये कांग्रेस के लिए बैठे हुए थे और सारा क्षेत्र ये बात जानता है। और मैं आज फिर वही कह रहा हूँ, कट तो ये लगभग बनना तय है, बनेगा, कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती। लेकिन कट तो बनेगा, लेकिन कांग्रेस नहीं बनेगी, कांग्रेस नहीं बनेगी, क्योंकि इनको क्षेत्र के लोग जानते हैं, छत्तीस बरादरी जानती है कि ये हाईवे भी आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लाई है, इसलिए कट भी वही देंगे। और प्रधानमंत्री भी तीसरी बार मोदी बन रहे हैं, तो वही तो करेंगे, और कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मेरे साथ कृष्णपाल जी को लगवा लीजिए। देखिए, वो 80 साल के बुजुर्ग आदमी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा उनके बारे में जो खुद मेरे को भी अच्छी ना लगे। सम्मानित आदमी है, 80 साल में जो आदमी संन्यास ले गया था, अब वो 100 मीटर दौड़ की बात करता है। अरे ये चुनावी दौड़ है, और इस चुनावी दौड़ में क्षेत्र के लोग तय करेंगे कौन जीता कौन हारा। तो चुनावी दौड़ में लगे हुए हैं, फैसला 25 तारीख को लोग करेंगे और 4 तारीख को वोटिंग मशीन कर देगी। आपको बता दें कि आज पृथला विधानसभा के गांव में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी किशन पा गुर्जर ने कई जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उनका जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।